नगर पालिका द्वारा दूषित पानी की सप्लाई से गुस्साए लोगों ने भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के बैनर तले तहसील सदर में प्रदर्शन करने के बाद उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं जनपद रामपुर में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के बैनर तले मोहल्ला गुजर टोला के लोग तहसील सदर में एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन करने के बाद उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में घेर रहमत खां में नगर पालिका द्वारा दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी में कीड़े तक निकल रहे हैं, जिसको पीना तो दूर की बात है, अन्य किसी कार्य में भी नहीं लिया जा सकता। वहीं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के युवा प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि हमने कई बार नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी, अगर नगर पालिका ने पानी की गुणवत्ता सही नहीं कराई तो भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता नगर पालिका परिषद रामपुर में प्रदर्शन करेगी। वहीं आइए आप सुनते हैं युवा प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा क्या कह रहे हैं। क्या मामला है जी? मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूं। मामला लगातार कई ना कई मामले चल रहे हैं, लेकिन आज का जो प्रमुख समस्या है हमारी रामपुर का शहर का प्रसिद्ध मोहल्ला है गुजर टोला, वहाँ पर जो पानी की टंकी है उसमें लगभग पिछले 2 महीने से लगातार बेहद बदबूदार पानी आ रहा है, और लोग हमने कई बार शिकायत की वहाँ के नगर पालिका के यूओ से भी की, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमने फ़ोन पे भी बात की, अब उसमें पानी में ये होने लगा कि कीड़े भी आने लगे, लोग पानी पीने को परेशान हैं बिल्कुल, और कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो हमने अभी SDM साहब को, जो तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको एक ज्ञापन दिया है, उसमें उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम नगर पालिका पर बेमियादी धरना देंगे। क्या किया आज आप लोगों ने? आज हमने ये प्रदर्शन करने के बाद में ज्ञापन दिया है। किसको? ये SDM सदर जो तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या उम्मीद? उम्मीद ये है कि हमारे SDM साहब जो हैं ईमानदार अधिकारी हैं, और अभी तक जो भी शिकायतें उनसे ज़्यादातर की गई हैं, जो उनके स्तर की हैं, उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई कराई है और समस्या का समाधान हुआ है, तो उनसे उम्मीद यही है कि वो समस्या का समाधान कराएंगे।